हमारे साथ 10 अगस्त जो हर महीने की 10 तारीख की हमारी जो क्लास होती है उसके बैकअप के एक और स्टूडेंट आए हैं, थोड़ा नाम बताइए अपना। शेरू पटेल। शेरू पटेल कहाँ से हो भाई? यूपी मिर्ज़ापुर जिला। यूपी मिर्ज़ापुर जिला से हो, तो ये बताइए आप कौन सी बैच के स्टूडेंट थे? 28 अगस्त 2019। तो मोटा मोटा 3 साल हो गए। जी जी। तो 3 साल से बाद आप आए, तो आपसे कोई पेमेंट वगैरह चार्जेस एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं क्या यहाँ पर? कोई चार्ज लिया नहीं गया, केवल रहना खाना। रहना और खाना आपका है, बाकी कोई फीस वगैरह ली है आपसे क्या? कोई फीस नहीं। कोई फीस नहीं, तो कुछ यहाँ लाए तो बोले कि सर आपको पीपीटी का पैसा लगेगा या इसका पैसा लगेगा, इस टाइप का है? कोई चार्ज नहीं। अच्छा, जैसे आप 3 साल बाद अभी आए, और अगर आप 3 महीने बाद और आना चाहें, 6 महीने बाद आना चाहें, या साल भर बाद आना चाहें, तो कोई आपको चार्जेस देना होंगे क्या अलग से? नहीं, कोई चार्ज देना नहीं है हमें। जैसे कि अभी मैं 3 साल बाद आया हूँ तब भी चार्ज नहीं देना है, अगर 2-3 महीने बाद फिर आऊंगा तब भी कोई चार्ज नहीं देना है। तो अभी जो जिस काम के लिए आप आए थे, जहाँ आप फंस रहे थे, तो वो सारे काम आपके क्लियर हुए कि नहीं? हाँ, सारे काम मेरा क्लियर हो गया है ना। जी। सारे क्लियर हुए। डबल डेकर भी आपने पढ़ा है? हाँ, डबल डेकर पढ़ा और MMC पढ़ा। हाँ। और नेटवर्क। अच्छा, तो डबल डेकर का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? बहुत अच्छे। मिलन सर ने कैसा सपोर्ट करा आपको? बहुत बढ़िया सपोर्ट किया। क्या बोलेंगे हमारे मिलन सर के लिए? अपने मिलन सर के लिए तो बहुत कुछ बोलने का कुछ है नहीं, लेकिन ये जान लीजिए कि जब तक वो है तब तक हम लोग अपडेट के लिए आते ही रहेंगे। बोलने की जब तक हमें तब तक आप लोगों को अपडेट देते रहेंगे। नहीं, वो हमेशा रहेंगे भाई, है ना भाई? एक बार क्लैपिंग हो जाए मिलन सर के लिए। तो ओवरऑल ये बताइए कि अभी जैसे बात करूं, आप 10 तारीख को क्लास लिया आपने, 11 तारीख को क्लास लिया आपने, और आप 12 तारीख को क्लास ली, तो कोई कितने भी दिमाग में डाउट हो तो वो 2-3 दिन में क्लियर हो जाते कि नहीं हो जाते? एकदम क्लियर हो जाते हैं। ऐसा हफ्ता 10 दिन बैठने की जरूरत है क्या आपको? क्योंकि भाई आप तुम भी कहीं दुकान से आए हो, शॉप से आए हो, आपकी रिस्पांसिबिलिटी है, आपके परिवार की रिस्पांसिबिलिटी है, तो हर समय इतना टाइम नहीं दे सकते हम। कंपोनेंट तो सीखने की जरूरत ही नहीं है कि हमको लाइनों का आइडिया नहीं है, कि कंपोनेंट का आइडिया नहीं है, वो ABCD सीखने की जरूरत नहीं है ना। पहले दिन से ही कॉन्सेप्ट क्लियर होना चालू हो जाएगा आने से, मतलब 1 घंटे बाद आपको पता लगेगा कि बस 2 दिन ही रहना है, 3 दिन रहना है बस, उसके बाद ज्यादा दिन रहने की जरूरत ही नहीं है। क्या बोलेंगे हमारे देव सर के लिए? उन्होंने अगर कुछ प्रॉमिस किया था आपको यहाँ उस समय, ऐसी कोई चीज नहीं थी, कोई प्रॉमिस नहीं किया था, तो उन्होंने वो अपनी जो बात थी उसके बाद पे डिपेंड है कि नहीं है? जी है, 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 डिपेंड है। जो बोले थे वो हुआ और आगे भी होगा। जो बोले कि आपके घर पे आपके गार्डियन माता पिता है, तो ऐसे मैं इलेक्ट्रॉनिक लाइन में जो मैंने आपको दिया हूँ, और मैं भी आपका माता पिता बनकर हमेशा आपका आगे। अगर कोई बच्चा अगर तुम्हारे क्षेत्र से आना चाहे तो क्या बोलेंगे उनके लिए? मैं यही बोलूंगा कि और किसी अदर इंस्टीट्यूट से जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एशिया टेलीकॉम में आइए और पढ़िए, पढ़कर जाइए। अगर कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो फिर 2 महीने 4 महीने 6 महीने बाद फिर आइए, और अपने साथ हैंडसेट, जो हैंडसेट में क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं हो रहा है वो हैंडसेट लेकर आइए, तो वो और आपके हाथ से ही कॉन्सेप्ट किया क्लियर। तो वो चीज पूरी होती है कि नहीं होती? होती है, होती है। अच्छा, एक व्यक्ति अगर कोई एक स्टूडेंट आता है तो क्या एक बार में 100% पूरा लेके चले जाता है क्या? नहीं, उसको लगेगा कि मैं 100% हो गया हूँ, लेकिन वो जब जाएगा अपने दुकान काउंटर पे काम करेगा तब उसको पता चलेगा मैं 100% हूँ या नहीं। हाँ, और नई नई चीजें भी आती हैं, है ना? नए इनोवेशन भी होते हैं, है ना? नए नए भी आते हैं, कहीं हम फंसते हैं, है ना? तो फिर वापिस गुरु याद आता है। जी जी। हाँ, तो मतलब एक इंसान के अगर कोई जैसे एशिया टेलीकॉम में पढ़ा तो उसको भटकने की जरूरत नहीं है, इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एशिया टेलीकॉम में अगर जो अगर एक बार बंदा आ जाता है, एक बार फीस जमा कर देता है, तो भटकने की जरूरत है? नहीं नहीं, उसको भटकने की जरूरत ही नहीं है, वो हमेशा भी आ सकता है। जैसे आज गया, 1 साल बाद फिर लगा कि मुझे कोई कॉन्सर्ट क्लियर नहीं हो रहा है, किसी चीज में फंस रहा है, तो 2 महीने बाद फिर आ सकता है। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।